आपने बोल दिया कुत्ता काट के खाया। अगर कोई व्यक्ति PIG काट करके खाने लगे उनके मोहल्ले में किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्ति के, वो कहे कि मैं तो जानवर को विशेष को काट करके खाऊंगा, उनको आपत्ति होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी ना। तो हमारी गाय माँ है, अगर हमारी गाय पे छुरा चलेगा तो गाय को मारा जाएगा, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? विषय अखिल भारतीय राजार्य सभा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी मुख्य मांगे, जो चार मांगे हैं, उनके लिए आई है। पहली मांग समान आचार संहिता UCC, जिस पर पूरे देश में जद्दोजहद छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है, उसको मानसून सत्र में पास कराना। दूसरा मत मंदिरों का पैसा जो सरकार ले लेती है उस पर रोक लगाना, उनको मुक्त करना। तीसरा वेदों को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना। और चौथा है बलात्कारियों को तुरंत ही उनके साथ कानूनी कार्रवाई करके जो कठोरतम सजा है वो देना। ये बहुत सारी बातें आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा UCC पर। UCC पर पूरा देश उबल रहा है। संसद में सरकार ने बहस छेड़ दी, संसद में तो नहीं छेड़ी, बाकी लॉ कमीशन बनाया, लॉ कमीशन के जरिए लोगों की राय ली, एक महीने का टाइम दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राय दे दी कि हमें UCC नहीं चाहिए। क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा? क्या दिक्कत है? क्या मॉडस ऑपरेंडी है? क्या इसके पीछे राज है जो मुस्लिम समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय, इसको नकार रहा है? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और ये सबके मन में आ रहा है। लेकिन भारत में सनातनी जो लोग हैं ना, 100 करोड़ से ज़्यादा, प्रश्न जरूर है लेकिन पूछने को तैयार कोई नहीं है। मैं आपने प्रश्न पूछा, उत्तर दे रहा हूँ आपको। इसका कारण यह है कि वो लोग भारत को नहीं चाहते आगे बढ़े, वो चाहते इस्लाम आगे बढ़े। और ये UCC आने के बाद में इस्लाम का जो एजेंडा है ना, उस पर कमी आएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए उनको सबसे बड़ी समस्या इस बात में हो रही है कि वो लोग इस्लाम को रुक जाएगा, UCC आएगा तो देश में जो कानून बनेगा उसके अंतर्गत हमें रहना पड़ेगा, वो चाहते नहीं है। वो तो आप देखो, आप जब भारत के संविधान को भी कहाँ मानते हैं, वो तो अपना पर्सनल लॉ की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं वो कहते हैं हमारा कानून है, हमारा इस्लाम है, हमारी शरीयत, हम उसके अनुसार चलेंगे। अगर UCC आता तो उनको दिक्कत परेशानी इस बात से है कि इस्लाम आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, इस्लाम आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम की रक्षा का जो अधिकार है ना, उनके जो धर्म कहते हैं, वैसे तो संप्रदाय है, धर्म तो अलग ही विषय होता है, संप्रदाय की रक्षा का अधिकार संविधान ने दे रखा है उनको। दो तरह के कानून होते हैं, सिविल होता है और क्रिमिनल होता है। सिविल कानूनों के अंदर संविधान ने दे रखा है कि अपने रीति रिवाज से शायद करो, हिंदू कोड बिल भी तो है, क्या दिक्कत है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्या दिक्कत जी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम हिंदू कोड बिल भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए जो कानून जरूरी है वो लाने चाहिए ना। हमारा जो राष्ट्र है वो सनातन की वजह से है पहचान इसकी, भाई पाकिस्तान की पहचान इस्लाम से है ना, वो इस्लाम के आद अनुसार बना, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। ये सनातन की वजह से भारत है, अगर सनातन नहीं रहेगा तो भारत भारत है ही नहीं। भारत के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत है वो सनातन की है। तो UCC भी बनाया जाए तो वो सनातन धर्म को दृष्टिकोण में रख करके बनाया जाए। सारी सनातन धर्म को आप किसी एक कानून के दायरे में कैसे बांधेंगे? कहीं रीति कुछ होती है, कहीं रिवाज कुछ होती है, साउथ में कुछ रीति रिवाज होते हैं और आदिवासी जो समाज है उनके अंदर कई सारी शादियां पॉलीगैमी वहां भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में ही पॉलीगैमी है, आदिवासी समाज पूर्वोत्तर में उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया मिला हुआ है अपनी चीज़ों की रक्षा करने के लिए। तो उसको कैसे, इतने बड़े देश को अगर आप किसी कानून थोपेंगे तो संविधान में भी पहले नहीं बनाया गया, सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया कि जब देश की सहमति बन जाए तब इसको करा जाए। तो सहमति बनाने की क्या सहमति बनाने की जरूरत है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप अपने गांव में, घर में रहते हैं ना, गली मोहल्ले में, तो दाएं चलना बाएं चलना आपको कोई जरूरी नहीं है, अपनी मर्जी से आप चलते हैं। लेकिन जब आप सड़क पे चलते हैं ना तो बाईं तरफ ही क्यों चलते हैं? अगर आप बाईं तरफ नहीं चलेंगे ना तो आप टक्कर खा करके मर जाएंगे। और यही कानून का भी होता है, कानून के दायरे में व्यक्ति चलेगा सुरक्षित रहेगा। हम कहते हैं उनके रीति रिवाज हम कहाँ छेड़ रहे हैं? अपने रीति रिवाज अगर आप अपने घर में मानते, अच्छी बात है ना, हम उसका कोई विरोध नहीं करते, तुम अपने रीति रिवाज अपने घर पर मानो। लेकिन हमारी मांग ये है कि वो रीति रिवाज सड़क पर नहीं आना चाहिए, वो रीति रिवाज दूसरों के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। वो रीति रिवाज ये नहीं कि हमारा थोप रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने समाज में, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया वाली बात कह रहे हैं वो। और आदिवासी समाज के लिए तो सरकार के कुछ बड़े मंत्री बयान भी देते हैं कि भाई आदिवासी समाज को हम एक्सक्लूड करेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे, उनकी रीति रिवाज वो फॉलो करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपने बोल दिया कुत्ता काट के खाया,
अगर कोई व्यक्ति PIG काट करके खाने लगे उनके मोहल्ले में किसी व्यक्ति के विषय विशेष व्यक्ति के, वो कहे कि मैं तो जानवर को विशेष को काट करके खाऊंगा, उनको आपत्ति होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी ना। तो हमारी गाय माँ है, अगर हमारी गाय पे छुरा चलेगा तो गाय को मारा जाएगा, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? विषय नहीं है, सही मैंने कहावत कही है। आपने कहावत कही है, उसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता काट के खाया, मतलब मैं आपकी बात से सहमत, आपकी बात से, कुत्ते का मतलब ETC है, कुत्ते का मतलब कुछ भी उसने काट करके खा, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। अगर देखो मेरा देश में, मैं सनातन धर्म के देश में रहता हूँ, तो मेरी भी कोई आस्था होगी ना, अगर मेरी आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मुझे कुंठा होगी ना, मुझे परेशानी होगी ना, तो मैं वही परेशानी नहीं चाहता हूँ। आजकल तो बंद कर दिया है कि जो जहाँ पे भी स्लॉटर हाउस है वही होगा जी, ये सब बहुत सारे नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं जी। और कभी भी जब सावन का पवित्र महीना आता है तो बहुत सारी चीजें, दुकानें बंद करी जाती है, धर्मों का सम्मान होता है। लेकिन इस संविधान में यह भी कहा गया है कि धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्र आजादी है अपने अपने रीति रिवाज मानने की जी। और असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि हिंदुओं को उनके रीति रिवाज से ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो पॉलीगेमी है जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जो हो रहा है, उस सब की वजह से क्या UCC आ रहा है या UCC कुछ और वजह से आ रहा है? देखो अगर दिक्कत परेशानी ना होती ना तो भारत के अंदर एक भी इस्लाम का व्यक्ति ना होता, अगर हमें दिक्कत परेशानी होती, हिंदुओं को, सनातनियों को, आर्यों को कोई दिक्कत परेशानी किसी से नहीं है। अगर दिक्कत होती तो यहाँ क्रिश्चियन ना होते, इस्लाम ना होता, दूसरे मत मजहब ना होते में रहते हैं। अगर वहाँ के बच्चे गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो क्या आपके बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? तो भारतीय संस्कृति पर असर पड़ता है इस चीज का, और वो संस्कृति बर्बाद हो, साइड इफेक्ट हो रहा है उसका। बिल्कुल हो रहा है। आप अगर साइड इफेक्ट नहीं होता तो इस्लाम के मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं क्यों उजड़ करके चले जाते हैं, क्यों छोड़ करके मोहल्ले भाग रहे हैं? साल पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादी जायज हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका अपना पर्सनल लॉ उन्होंने बना लिया, मैं अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बना लूं, आर्य समाज का बना लूं, सरकार ने इजाजत दी है? मेरी बात सुनो ना, संविधान कहां तक इजाजत, ये पुराना है, अगर इस पर चर्चा हो, डिबेट हो तो पता चलेगा ना, ये बहुत पहले का कानून बना हुआ, आज का नहीं है। वो जो उनका पर्सनल लॉ बना हुआ है, भारत का संविधान है, वो पहले का, उस पर चर्चा नहीं, चर्चा हो तो पता चलेगा इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स भारत के अंदर देखने के मिल रहे। मैं चर्चा कर चुका हूँ कई डिबेट्स में, मैंने इस विषय पर चर्चा की है। मत मंदिरों की बात जब कर रहे हैं, UCC पे तो हमने काफी बात की और पूरा दिन बात कर सकते हैं जी, और बहुत सारी बात होनी भी चाहिए। इस देश की ये संस्कृति है कि बात करके आपस में राय बना के ही काम किया जाता है, बात होनी चाहिए और जरूरी है, 75 सालों से हो ही रही है बात। मत मंदिरों के जो बात कर रहे हो, मुक्त करो, वो क्या इशू है आपका? मैं बताना चाहता हूँ आपको, मस्जिद में जो चंदा आता है वो चंदा सब इस्लाम के लिए लगता है, क्रिश्चियनों के जो चर्च में चंदा आता है वो चर्च में क्रिश्चियनों की पढ़ाई बढ़ाने के लिए लगता है। तो सनातन धर्म के मठ मंदिरों में जो पैसा आता है तो उसको कहाँ लगना चाहिए? आप सोचो ना, वो चंदा हमने दिया, वो किसी इस्लाम के क्रिश्चियन के व्यक्ति ने नहीं दिया, वो हमने दिया ना चंदा, तो हमारे लोगों पर खर्च हो, हमने मंदिर में दिया ना, मठ में दिया ना, तो मठ और मंदिर किसका है? हमारा है ना, हमने किस लिए, हमने चंदा दिया मठ मंदिर के आगे बढ़ने के लिए, वो आगे बढ़ेगा जब फॉलोअर हमारे पढ़े लिखे होंगे, उनके लिए गुरुकुल की व्यवस्था होगी, उनके लिए और अच्छी चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं कि हम मूर्ख लोग हैं, हम अपने धर्म के प्रसार प्रसार में लगना चाहिए, हम मूर्ख लोग नहीं कि हम अपने चंदे का अन्य धर्मों के लिए, अन्य संप्रदायों के लिए लगता है पैसा, लग जा रहा है, लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, हम इतने मूर्ख लोग नहीं कि अपने चंदे का हम प्रयोग नहीं कर सकते, हम प्रयोग कर सकते हैं उस चंदे का, हम उससे अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते। आज सनातन धर्म क्यों बर्बाद है? क्रिश्चियनिटी रोज बढ़ रही है, इस्लाम बढ़ रहा है, सनातन घट रहा है, उसका कारण क्या? सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे मठ मंदिर जो जिन पे पैसा था वो कब्जे में ले लिए गए, तो हम बढ़ेंगे कैसे आगे? भाई हमने जो पैसा दिया उसे सरकार ने कब्जा करके बोला नहीं सबके लिए लगाएंगे। वो राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की बात कर रहे हैं जी, वेद राष्ट्रीय पुस्तक, इसलिए वेद में इस्लाम की बात नहीं, हिंदू की नहीं, क्रिश्चियन की नहीं, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, किसी की बात नहीं। वेद कहता मनुष्य बनो, अगर जो मनुष्य बनने की बात कहती है वो, आप कुरान शरीफ को ले लीजिए, वो इस्लाम बनाने की बात करते हैं, आप बाइबल को ले लीजिए, राष्ट्रीय पुस्तक तो संविधान होता है, राष्ट्रीय पुस्तक संविधान हम मानने स्वीकार। आपको पता है क्या वेद में क्या है? वेद में भी तो कानून है ना, वेद में अगर कानून नहीं होता तो हम इस बात को हम बिना सर पैर की बात क्यों करते? वेद में भी कानून है, जो आप देख रहे हैं ना पीछे कि भाई ये जो सजा का प्रावधान हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा गाड़ियों को होना चाहिए, वेद की बात है ना, ये हमारी नहीं है, ये वेद की बात। अगर ऐसा होगा
आप देखो कौन सा दिन होगा, एक भी बहन बेटी भारत में सुरक्षित नहीं होगी। और आप जो थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न किया था ना, भारत में जो बलात्कार हो रहे थे, सनातन धर्म का कोई व्यक्ति बलात्कार नहीं करता था, अगर कर रहा है तो साइड इफेक्ट से उन संप्रदायों का जो भारत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पूरी पूरी तरीके से जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं और ये कह रहे हैं कि जो चार मुख्य मांगे वो पूरी होनी चाहिए। पूरी तरीके से ये इस पर अड़े हुए हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं, अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, सरकारें भी कह रही हैं, लेकिन यूसीसी एक पॉलिटिकल मामला मुद्दा बनता जा रहा है और इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं और संप्रदाय विशेष भी विरोध कर रहा है। अब देखना यह है कि मानसून सत्र के जब 4 या 5 दिन रह गए हैं तो या कुछ कमी दिन रह गए हैं, क्या सरकार ना मानसून सत्र को बढ़ाएगी और नहीं बढ़ाएगी तो कैसे आएगा यूसीसी, ये देखने की बात होगी। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।